समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, ये सब 150 सीटों में रह जाएंगे, मैं बोल रही हूँ। और हम 250 से ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं, लहर चल रही है और ये लहर मीडिया स्वयं दिखा रहा है। प्रचंड बहुमत से 91 जैसी बनेगी वैसी बनेगी। क्षेत्र में अखिलेश जी ने कहा है कि भाजपा का बीपी बढ़ जाएगा वोटिंग के बाद। मैं बहुत दिनों से उनके मुंह से ना एक 5-7 दिन हो गए हैं बीपी, मुझे अखिलेश का बीपी चेक करवाना है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है। आपने अगर देखा हो 5-7 दिन से ना उनके मुंह से सिर्फ ब्लड प्रेशर निकलता है, दूसरी बात नहीं निकलती। मुझे लगता है उन्हें कोई प्रॉब्लम है। मैं अखिलेश जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चेकअप करवा लें। कल राहुल जी ने बोला है कि दिल वाले दुल्हनिया की तर्ज पे मोदी जी ने सपने दिखाए थे पब्लिक को, वो फिर गब्बर सिंह के स्टाइल में पब्लिक के सामने आए, नोटबंदी को लेकर कमेंट किया। हाँ, तो अब कुछ दिनों के बाद में राहुल को कोई काम बचेगा नहीं, तो कपिल शर्मा शो में जाना पड़ेगा, ऐसी बातें वहीं ठीक लगती हैं, क्योंकि वो भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भारत के बहुत बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस और 40 साल से ज्यादा राज किया, लगभग 50 साल कांग्रेस ने राज किया और वो एक महान परंपरा में पैदा हुए हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उस परिवार में वो पैदा होकर ऐसी बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब अब राजनीति करने का मूड नहीं, अब कपिल शर्मा शो में जाने का मूड है। कल एक और अखिलेश ने बोला है कि ये दो परिवारों का नहीं गठबंधन, दो युवाओं का गठबंधन है। हाँ, तो होना चाहिए ना युवाओं का गठबंधन, हमें उस गठबंधन से कोई परेशानी है ही नहीं ना, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी, फटेहाली, भुखमरी और बदहाली के शिकार हुए हैं, नौजवानों को तो बहुत देखना, ये तो खाते पीते घरों के नौजवान हैं। एक को पिता ने चांदी की तस्करी में मुख्यमंत्री का पद दे दिया, दूसरा प्रधानमंत्री के परिवार की लेगेसी से आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ नौजवान तो फटेहाली और बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। ये दोनों नौजवान मेरे लिए छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के गरीब नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर सके। दीदी, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती